So the major questions remain unattended. The more important of the basic question was raised and argued before the federal court was whether Governor General was competent under the law and justified to issue the proclamation to dissolve the Constituent Assembly. It was left unresolved by the federal court. After the decision in Maulvi Tamizuddin's case, government had to face another legal crisis in the Yusuf Patel case. So Yusuf Patel was a guy who was in jail under the Control of Gundas Act 1952. अब ये जो कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट है, ये एक्ट बना था विदाउट द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल. लेकिन अभी जो हमने इतनी लंबी डिटेल पढ़ी मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में, इसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी कि गवर्नर जनरल की असेंट ज़रूरी होती है किसी भी लॉ को लॉ बनाने के लिए. ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी हमारी फेडरल कोर्ट ने ना. अब जो यूसुफ पटेल था, वो जिस एक्ट के अंदर जिसके एक्ट के तहत जिसे उसे सज़ा मिली हुई थी, गुंडाज एक्ट 1952, उस पे गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी. तो यूसुफ पटेल ने जो है ना अपील की फेडरल कोर्ट में कि भाई आपने जो जिस एक्ट के अंदर मुझे सज़ा दी हुई है वो तो एक्ट एक्ट ही नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल जो है उसकी असेंट ही नहीं थी उसके ऊपर. ठीक है, तो दिस वॉज अनदर लीगल क्राइसिस दैट द गवर्नमेंट हैड टू फेस. अब हुआ क्या कि नाउ द गवर्नमेंट द जुडिशरी हैड टू ब्रिंग अप समथिंग दैट इज दैट वुड ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. जुडिशरी ने क्या किया कि इसके नतीजे में जुडिशरी मजबूर हो गई, दे हैड टू इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसे हम उर्दू में नज़रिया ज़रूरत कहते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज़ बेसिकली सिंपल अल्फाज में एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज़ लीगल. कि कोई बंदा आके सक्सेसफुल रेवोल्यूशन लेके आता है तो इट्स लीगल, इट डजेंट मैटर कि लॉ में उसकी हैसियत है या नहीं है. सो द गवर्नर जनरल जनरल वॉज अलाउड टू इशू एन ऑर्डिनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड मेक अ न्यू लॉ फॉर द लिमिटेड टाइम. इससे हुआ ये कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी डिक्टेटर आए वो हमेशा नज़रिया ज़रूरत या डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी को इस्तेमाल करके पावर में आए, और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी को इन्वोक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि इन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में गलत फैसला दिया था. एंड दे न्यू इट, इट वाज सो ब्लैटेंट. एक ले मैन भी इस बात को समझ सकता है कि जो है फेडरल कोर्ट ने फैसला किस बुनियाद पे दिया है. सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1956 से लेके अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है यहाँ तक हम सारी जुडिशरी की हिस्ट्री पढ़ेंगे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास देन. अल्लाह हाफिज़.